वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास। वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखो, भारतीय संस्कृति जो है वेदों पर आधारित है, ये बात हम सबको पता है। और वेद जो है हमारे सिर्फ धार्मिक में ही नहीं, बल्कि चिकित्सा विज्ञान, भूगोल, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उन सब में हमारे वेदों में एक विशेष तरीके से वर्णन किया गया है। तो हमारे जो वेद हैं वो सिर्फ धार्मिकता के ऊपर बेस्ड नहीं है, हमारे सारे वेद हर प्रकार से सक्षम है, चाहे वो चिकित्सक विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, उन सब के अंदर हमारे वेदों में अच्छे से उन सब के अंदर व्याख्या की गई है। अब वेदों से ही जो जन्म है वो ज्योतिष का हुआ है। ज्योतिष हिंदी में अगर हम वर्णन करें, ज्योतिष, ज्योति, जो चीज ज्योति दिखाए, मतलब रोशनी दे, ज्ञान दे, मार्गदर्शन दे, वो ज्योतिष, जिससे हमारा मार्गदर्शन दे। अगर अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन नहीं होता, हमें उजाला चाहिए। अगर हम अभी बत्तियां बंद करके बैठ जाएंगे तो सब अंधेरे हो जाएंगे, जैसे नीना जी की, तुलिका जी की विंडो बंद है, अंधेरे में कुछ पता ही चलता, तो अंधेरे में है। सर आपने टाइम ऐसे रखा है कि नाइट सूट ऑन हो जाते हैं समय तक। खुलेगी सर थोड़ा देर बाद ही, खुल जाएगी क्या, मेरा हर वक्त खुला रहता है। अरे तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप अपनी नाइट सूट के साथ अपना नाइट सूट आए, आप तो कह रहे हैं आपका फेस आना चाहिए, दैट्स इट, इतना आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का। हाँ चलिए, ओके, ऑल राइट, इट्स ओके। सो जिस प्रकार से हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, हमारा मार्गदर्शन नहीं होता, और उजाले में हमारा मार्गदर्शन होता, ज्योतिष उसी की ही एक रूपरेखा है, उसी का ही एक वर्णन है। ज्योतिष हर प्रकार के उजाले में हमें लेके जाना, हमारा दृष्टिकोण बताना, हमें अपने आप के बारे में बताना, हमें अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में बताना, हमें आने वाली स्थिति के बारे में बताना, हमारा पिछला बताना, हमारा पास्ट बताना, जन्म जन्मांतर तक की विद्या, ज्योतिष जन्म जन्मांतर तक की विद्या। ज्योतिष किसी उपाय का नाम नहीं है, ज्योतिष किसी टोने टोटके का, किसी सुपरस्टिशन का, किसी प्रकार का ऐसा कुछ एक्टिविटी जो कि इंसान को भ्रमित करे, उसका नाम ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष प्योरली तरीके से साइंटिफिकली डिजाइन वेदों से निकली हुई साइंस है, जो कि हमारा मार्गदर्शन करती है समय समय पे, जगह जगह। ज्योतिष ऐसा है जैसे बिन माँ का बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मार्गदर्शन उसकी माता करती है, हर लिहाज से, बच्चे के पहले दिन से लेके बच्चा जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, माँ उसके संग रहती है और उसको जो है उसका मार्गदर्शन करती है, जगह जगह। इसी प्रकार ज्योतिष हमारी माता है, जो हमें ज्योति प्रदान करती है, वो ज्योति जिससे हम अपना जीवन बेहतर बना सकें, उचित बना सकें, और ये समझ में आए कि हमारा प्रेजेंट क्या है, हमारा पास्ट क्या है, और हमारा फ्यूचर क्या है। वो ज्योतिष, वो किरण, वो ज्ञान हमें ज्योतिष के माध्यम से मिलता है। इसलिए ज्योतिष जो है जननी है, ज्योतिष जो है मदर साइंस है। आजकल के समय में विडम्बना यह है कि इंसान ज्योतिष के बिना चाहता है कि सारी विद्याओं को ग्रहण कर ले और ज्योतिष को छोड़ दे। ज्योतिष को लगता है कि एक ऐसी साइंस है जो कि बहुत टफ है और बहुत सुपरस्टिशियस है, जो कि नहीं हो सकता। माँ के बिना बच्चा जन्म नहीं ले सकता, एज सिंपल एज दैट। पिता कैन बी एनीबडी बट माता माता है, एज सिंपल एज दैट। तो ज्योतिष हो चुकी, जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना ऑकर्ड साइंस के अंदर अपनी अच्छी जगह बना ले, आई थिंक वो भूल करता है। और मैं आपको ये बता देता हूँ, गारंटी से कह देता हूँ, जितने भी लोग ऑकर्ड साइंसिस के अंदर काम करते हैं, ये सारे लोग वैदिक ज्योतिष को जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, तो काम करते हैं, बोलें या ना बोलें ये एक डिफरेंट बात है। क्योंकि अगर वो ये बात बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ज्योतिष आपको आना कंपल्सरी है टू वर्क ऑन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो बात यहाँ पे यह आ जाती है कि उनकी अपनी विद्या में वो ज्योतिष क्यों नहीं सिखा रहे। तो यहाँ पे
थोड़ा सा वीकनेस फील होती है, क्योंकि जितने भी उपाय निकलते हैं वो ज्योतिष के माध्यम से निकलते हैं, क्योंकि उपाय जो होते हैं ग्रहों के होते हैं, और जो ग्रह आते हैं वो ज्योतिष आते हैं। अच्छा, ज्योतिष से ग्रह बाहर निकलते हैं तो उपाय भी ज्योतिष के माध्यम से आते हैं, चाहे उन मंत्रों का कलर हो, चाहे उन मंत्रों की चैंटिंग हो, चाहे उन मंत्रों का दान पुण्य हो, चाहे उन मंत्रों की कोई भाने की विद्या हो, चाहे दबाने की विद्या हो, चाहे कोई भी प्रकार की एक्टिविटी हो, चाहे पंडित हो, पूजा पाठ हो, चाहे कर्म कांड हो, चाहे कुछ भी हो, एनी थिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्लैनेट इज कम्स फ्रॉम द ज्योतिष। अब ज्योतिष के माध्यम से अगर सारी चीज आ रही है तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू लर्न बेसिक्स ऑफ ज्योतिष, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद इंसान अपनी कहीं पे भी, इट इज समथिंग लाइक जैसे इंसान को 12वीं तक की कक्षा पास करनी अनिवार्य है टू गेट इनटू द सीनियर लेवल ऑफ एजुकेशन। अगर इंसान बोले जी मुझे 12वीं तक की कक्षा पास नहीं करनी है और मुझे एमबीए करनी है, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर इंसान को रॉकेट साइंस के अंदर अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की साइंस का उसको ए बी सी डी जेड आनी चाहिए, एंड देन दे कैन चूज द वे दे वॉन्टेड इन टू एनी फील्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट, बी इट ए टैरो, बी इट क्रिस्टल, बी इट न्यूमरोलॉजी, बी इट एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और हीलिंग ऑफ व्हाटएवर। इसीलिए जितने भी प्रोग्राम हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बनाए हैं, पीजीडी के बनाए हैं, आप उनमें देखें मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर एस्ट्रोलॉजी हमने मस्ट करी है। उसका बेसिक कारण यही है कि एस्ट्रोलॉजी हर इंसान को आनी चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको उपाय नहीं दे रही है, आपको वो एटीट्यूड दे रही है जिसका आपको ये समझ में आए कि आप क्या हो और आप सामने वाले को समझ पाए बिना इंट्यूशन के, सिर्फ उसके अंडरस्टैंडिंग से। इंट्यूशन तो आपको रेमिडियल पार्ट में बाद में जरूरत पड़ेगी आपकी, वो एक अलग बात है, वो हीलिंग के माध्यम से जाएगी, लेकिन आप सामने वाले को समझ पाए उसके ग्रह के माध्यम से कि सामने वाला क्या चीज़ है। उसके बाद न्यूमरोलॉजी के ऊपर जा सकते हैं, वो अलग बात है, वो अलग सब्जेक्ट आ जाएगा। दैट इज वेयर द एस्ट्रोलॉजी कम्स इन टू पिक्चर। और इसीलिए हमने जितने भी हमारे पीजीडी कोर्सेज में हमने एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी मस्ट कर रखी है, ऑलमोस्ट 90% कोर्सेज के अंदर है, एक दो चार कोर्सेज हो सकता है ना हो, बट 90% कोर्सेज में मैं मस्ट करी। अब बात करते हैं हमारे वेदों की। हमारे जो वेद है, चार वेद हैं हमारे। कौन से चार वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, अथर्ववेद, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे चार वेद हैं। हमारे चार वेदों से वेदांग निकलते हैं, संहिता निकलती है, ठीक है, उपनिषद निकलते हैं, उपंग निकलते हैं। ये हमारे वेदों से निकलते हैं, ये उनकी एक्सटेंडेड आर्म्स हैं। ज्योति जी, ऋतु जी, आपका स्वागत है। अपने अपने खिड़कियाँ खोल के रखें। तो अब वेदों की जो अपनी एक्सटेंडेड आर्म्स है, उनमें दो आर्म मुख्य तौर पे आती हैं, वेदांग और उपंग। उपंग को एंसलीज बोलते हैं अंग्रेजी में, और वेदांग को लिम्ब ऑफ वेदास बोलते हैं, यानी कि शरीर के महत्वपूर्ण पार्ट वेदांग।